देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। कोरोना महामारी के चलते सभी स्तर पर जनजीवन प्रभावित हो चुका है। शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव कर निजी शालाओं में ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प चुना गया, किंतु जिला परिषद शालाओं में अध्ययनरत सामान्य वर्ग से आने वाले पालियों को ये संभव नहीं है। ये समझकर मोहाड़ी तहसील के नीलज बुजुर्ग ग्राम निवासी रेवन नाथ धनराज गाढ़वे ने विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क ट्यूशन लेना शुरू किए। इस कार्य में रेवन नाथ की छोटी बहन उसका साथ देती है। रेवन नाथ ने ब्रह्मपुरी के शासकीय तंत्र निकेतन विद्यालय से शिक्षा पूर्ण की। तत्पश्चात वो नागपुर के इंजीनियरिंग महाविद्यालय में शिक्षा लेने लगा। महामारी के चलते गत कुछ दिनों से देश में लॉकडाउन लगाया गया, जिसके बाद रेवन नाथ अपने कॉलेज नीलज बुजुर्ग में वापस लौटा। महामारी के प्रभाव के चलते जिला परिषद शालाएं भी बंद हो चुकी थी। ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी शिक्षा से दूर होने लगे। परिसर के विद्यार्थियों की ये समस्या समझकर रेवन नाथ ने विद्यार्थियों को घर में शिक्षा देने का निर्णय लिया। सर्वप्रथम उसने शाला के शिक्षकों से विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम की जानकारी हासिल की। पाठ्यक्रम अधिक होने से विद्यार्थियों को पढ़ाने का समय बढ़ाया। रेवन नाथ प्रतिदिन सुबह 2 घंटे व शाम को 3 घंटे विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहा है। इस कार्य के लिए उसकी छोटी बहन उसका सहयोग देती है। वर्ग चलाते समय विद्यार्थियों की उचित शिक्षा का ध्यान रखा जाता है। उपरोक्त कार्य की जानकारी युवा गर्जना प्रतिष्ठान के संस्थापक नरेंद्र पहाड़े को मिली तो उन्होंने मौके पर पहुँच कर विद्यार्थियों को शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराई। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।